तो इंदौर लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रोड शो कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। तो इंदौर से ये सीधी तस्वीरें हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से रोड शो किया जा रहा है और जनता में भारी उत्साह यहां पर देखने को मिल रहा है। अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं। तो इंदौर से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और शंकर लालवानी यहां से पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं और भारी संख्या में यहां कार्यकर्ताओं में भी जोश देखने को मिल रहा है। सीधी तस्वीरें हैं ये इंदौर की। और शंकर लालवानी जो प्रत्याशी हैं, उनके लिए प्रचार करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको कैलाश विजयवर्गीय भी इसमें नजर आएंगे। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार मुख्यमंत्री प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। दरअसल आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा और उससे पहले लगातार पूरी कोशिशें हैं कि जनता के बीच में पहुंचा जाए और पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट की अपील की जाए। और इंदौर, जहां आपको ये जानकारी भी दे दें कि बीते दिनों हमने देखा कि कैसे कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे उनकी तरफ से अपना नामांकन वापस लिया गया और उसके बाद अक्षय कांति बम बीजेपी में भी शामिल हो गए थे। तो ये सीधी तस्वीरें हैं इंदौर की और यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में लगातार वोट अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस नोटा को लेकर के जनता के बीच पहुंच रही है, वहीं दूसरी ओर इंदौर में जो पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट की अपील करते हुए मुख्यमंत्री यहां नजर आ रहे हैं। तो भारी संख्या में आपको आम जनता नजर आएगी, कार्यकर्ता नजर आएंगे, जो यहां पर लगातार इस रोड शो में शामिल हो रहे हैं। और इंदौर सीट पर जीत कैसे हासिल की जाए, इसको लेकर के लगातार जनता के बीच पहुंचने का काम भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करते नजर आ रहे हैं। तो इंदौर से ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का रोड शो है। 400 का लक्ष्य जो बीजेपी लेकर के चल रही है, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार जनता के बीच पहुंचते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं और रोड शो करके जनता के बीच एक संदेश पहुंचाने की कोशिश है। तमाम जो योजनाएं केंद्र सरकार की तरफ से चलाई गई उनको लेकर के भी जनता के बीच पहुंच रहे हैं और बीजेपी को वोट मिले इस उम्मीद के साथ जनता को एक संदेश देने की कोशिश है और जनता से इस बात की अपील कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में घरों से बाहर निकले और मतदान करें। तो इंदौर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। तो पार्टी के प्रत्याशी शंकर लालवानी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए मुख्यमंत्री जनता के बीच पहुंचे हुए हैं और लोगों से वोट की अपील करते नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ता भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जो हाथों में झंडे लेकर के लगातार आगे बढ़ रहे हैं, साथ ही मुख्यमंत्री का स्वागत करते नजर आ रहे हैं और पुष्प वर्षा भी मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है।
लगातार आगे की ओर बढ़ता हुआ ये काफिला मुख्यमंत्री का नजर आ रहा है और इंदौर से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर भारी उत्साह आम जनता में भी देखने को मिल रहा है, जो कि पुष्प वर्षा करते हुए मुख्यमंत्री की ओर भी नजर आ रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री भी अभिवादन स्वीकार करते हुए जनता का हाथ हिला करके जनता जो वहां पर मौजूद है उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री भी दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए भारी उत्साह यहां पर देखने को मिल रहा है। तो फूलों की वर्षा लगातार होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ आम जनता मुख्यमंत्री के स्वागत में पुष्प वर्षा कर रही है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अभिवादन स्वीकार करते हुए भी जनता की ओर भी पुष्प वर्षा करते दिखाई दे रहे हैं। आज शाम 6 बजे चौथे चरण के चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और उससे पहले लगातार पार्टी के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और इंदौर से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो करते हुए जनता के बीच पहुंचे हैं, वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तो भारी उत्साह यहां पर कार्यकर्ताओं में और उसके साथ ही जनता में भी देखने को मिल रहा है, जो कि मुख्यमंत्री को देखने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं और लगातार उनका स्वागत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो इंदौर की तरफ से बीजेपी ने जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारा है उसके पक्ष में लगातार वोट की अपील करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। शंकर लालवानी के पक्ष में वोट की अपील लगातार मुख्यमंत्री यहां पर करते दिखाई दे रहे हैं और जनता के बीच पहुंच रहे हैं। देखिए 13 मई को आखिरी चरण का मतदान होना है, चौथे चरण का मतदान होना है और उससे पहले जनता के बीच पहुंच करके लगातार ये संदेश देने की कोशिश की, ज़्यादा से ज़्यादा घरों से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, मतदान करें और लगातार वोट की अपील करते हुए भी यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं।
तो इंदौर से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का रोड शो लगातार आगे की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यहां पर जनता के बीच पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज आखिरी चरण, जो चौथा चरण होना है मध्य प्रदेश में, उसके चुनाव प्रचार का शोर आज थम जाएगा और उससे पहले पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए जनता के बीच मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और लगातार लोगों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, जनता की तरफ से जो गमछे भी मुख्यमंत्री को दिए जा रहे हैं, उस गमछे को मुख्यमंत्री उसका इस्तेमाल करते हुए और जनता के प्यार को भी कहीं ना कहीं स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, ये सीधी तस्वीरें निकल के सामने आई हैं इंदौर से और लगातार जो रोड शो है उसमें भारी संख्या में आपको लोगों की भीड़ नजर आएगी, जनसैलाब आपको दिखाई देगा।